शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालेगांव में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण होने की बाद में अब छात्र छात्राओं और उनके पालकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र छात्राओं जहां कक्षाओं के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं स्कूल के मेन गेट पर अपना स्कूल बैग टांग दिए हैं। पालकों ने विद्यार्थियों के हित में और उनके पक्ष में रैली निकालकर जिला कलेक्टर के नाम प्रेषित ज्ञापन प्रभारी प्राचार्य सुखदेव घोटे को सौंपा। इस दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि ट्रांसफ़र होने से हमारी पढ़ाई पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। वहीं उन्होंने मांग की है कि विज्ञान विषय के शिक्षक यशवंत देशमुख और गणित विषय के शिक्षक सहदेव लोखंडे का स्थानांतरण निरस्त कर दिया जाए। बहरहाल इस हंगामे के बाद इतना तो तय था कि उच्च अधिकारियों तक उनकी आवाज़ पहुँच गई है। शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा अब प्रशासनिक आला अधिकारियों तक पहुँच गया है, जिसके बाद अब देखना यह जरूर लाजमी बना रहेगा कि सूर शिक्षा डिपार्टमेंट क्या कदम उठाती है। वैसदेही से अंकित कुमार राठौर की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका डेंगे, मैं वैष्णव कला से शिक्षा का अध्ययन करने आती हूँ। मेरा नाम पूनम डेंगे और मैं मालेगांव से। क्या समस्या आपकी बताइए? हमारी समस्या यह है कि हमें पूरे पुराने स्टाफ चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने जो आंदोलन किया है किस वजह से किया है? हमारे शिक्षकों के लिए चाहिए सर। शिक्षक चाहिए? कौन कौन से विषय के शिक्षक आप? सर हमारे टीचर और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मौसिक मैडम है सर, और केमिस्ट्री के लिए नागले सर है। किन लोगों ने इन लोगों का ट्रांसफर करवा दिया, कुछ बोल सकते? पता नहीं सर, गांव के नेताओं से। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर हमें हमारा पूरा पुराना स्टाफ चाहिए। यदि टीचर नहीं आए तो क्या आप स्कूल खुलेगा? नहीं खुलेंगे सर, हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा यदि मान लो यदि टीचर नहीं आते तो? सर आएंगे, कोशिश तो कर रहे हैं, आना ही पड़ेगा सर उनको वापस। आपका नाम? मैं माधवी यशवंत राव देशमुख। मेरे यहाँ पे दो बच्चे पढ़ते हैं, बच्ची 9th में है और बच्चा 11th में है। बड़ी कोशिशों के बाद हमने बच्चे को कहा कि बायो सब्जेक्ट ले, वैसे वो अदर ले रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पता चला कि अतिथि भी उस लायक नहीं निकले और जो टीचर है बेस पुराने उनको भी गांव के दोगले नेताओं ने ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर नीति तो उनकी अब जाके आई है, 18 सालों से इन्होंने क्यों कुछ नहीं उखाड़ा किसी से, और अब जब मौका मिला है तो बच्चों का भी शोषण किया है, स्कूल का भी शोषण किया है, और खास करके हमको गांव की जो दोगली राजनीति है, हम सभी पालकों को उनसे शिकायत है कि सरकार की जो नीतियां है वो सभी के लिए एक समान रहती है। अब ये लोग सोचेंगे कि हम हमारी आपसे दुश्मनी निकाल के और शिक्षकों को ही मौका यानी वो बनाए टारगेट, तो ये बात सही नहीं। और उन लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमको क्या करना पड़ता है। अच्छा, बच्चों ने जो आंदोलन किया ये जायज किया है? कहीं की मांगे पूरी होनी चाहिए। सही है, क्योंकि अभी तक की इनके सपोर्ट में कोई भी नहीं आया है, ना गांव से कोई पालक निकल के आ रहा है। अब देखिए कि रिजल्ट किस प्रकार से बन रहा है, पिछले 3 सालों से यहाँ पे रिजल्ट बिगड़ रहा है, लेकिन एक भी पालक नहीं आया है बच्चों को ये रिजल्ट देखने के लिए, ना और कोई गतिविधियां देखने के लिए, बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अभी तक के 100% देने की कोशिश की है सभी टीचरों ने, लेकिन फिर भी गांव की दोगली राजनीति हमको पसंद नहीं है, हमें सबसे शिकायत। सर बताइए, आज मालेगांव हाई स्कूल में बच्चों ने स्कूल में ताला लगा दिया, तो क्या कारण है सर? उसका कारण है बच्चों को जो मुझे खबर मिली है कि शिक्षक शायद वहां से ट्रांसफर हो गए हैं दो, तो शिक्षक की कमी के कारण वो चाह रहे हैं कि हमें शिक्षक व्यवस्था चाहिए। चूंकि शासन की नीतियां हैं, ट्रांसफर स्वैच्छिक भी होते हैं, प्रशासनिक होते हैं, लेकिन ये व्यवस्था बच्चों के हित में की जाएगी। अगर ट्रांसफर हुए हैं तो वहाँ शिक्षक दिया जाएगा, नहीं मिलेगा तो अति शिक्षक ऐड निकाल के भर्ती कराएंगे, उनकी समस्या दूर करेंगे। लेकिन सर बच्चों को कहना पड़ रहा है कि जब तक अगर हमारे पुनः जो गए वाले टीचर वापस हमें नहीं दिए जाते, तब तक स्कूल में खुलने तो नहीं दिया जाएगा, मतलब ताला जब तक लगा रहे। नहीं यार, देखिए शासन से अपन बढ़ के नहीं है, ये तो काम शासन का ही है और शासन के निर्देशानुसार ही हमें काम करना है। शासन उनके ट्रांसफर निरस्त कर देती है, हम तो प्रस्ताव उनकी जानकारी भेज देंगे बच्चों की, लेकिन वहां से अगर निरस्त होगा तो वही वापस आएंगे। नहीं, टीचर तो ये नहीं है बात देती वही रहेंगे, भाई शासन की नीतियां ये नहीं है, वो तो शासन जो निर्णय करेंगे वही होगा, तो वहां अतिथि शिक्षक की भर्ती कराएंगे, और अगर निरस्त कर देते हैं मैडम व्यवस्था कर देते कोई बात नहीं है, अगर उच्च कार्यालय से हो जाता है तो ठीक है सर।